इन दिनों केरल में निपा वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो 2018 के बाद ये मामला चौथी दफे आया है केरल में। इसके चलते कोझिकोड जिले में 29 सितंबर तक के स्कूल और कॉलेज बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। वहीं आईसीएमआर ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी खास बातें। WHO के मुताबिक 1998 में निपा वायरस का पहला केस मलेशिया में मिला था। मलेशिया में ही इस वायरस को निपा का नाम मिला था। पहले इस बीमारी की चपेट में सुअर आते थे। साल 2004 में बांग्लादेश में इसी बीमारी से संक्रमित एक और पेशेंट मिला और ये बांग्लादेश में चमगादड़ों द्वारा फैला गया। ये निपा वायरस इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसकी कोई अभी तक वैक्सीन बनी है। ऊपर वाला ना करे आपको निपा वायरस की चपेट में आए क्योंकि इसमें मृत्यु दर 75% है जबकि कोविड में 2-3% तक की मृत्यु दर थी। अगर आप निपा वायरस की चपेट में आ जाते हैं तो खुद ही आप उसे एहतियात बरतें, आप उससे ठीक भी हो सकते हैं।